जितने भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं उन सबके लिए एक बड़ी अपडेट है। इस खबर को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने अपने राशन कार्ड में ये प्रक्रिया है वो नहीं की तो आपको 30 जून के बाद आपको राशन मिलना है वो बंद हो जाएगा, आपको राशन है वो नहीं मिलेगा। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, पूरी खबर क्या है, इस खबर को मैं आपको पूरा डिटेल में सुनाऊंगी, अंत तक जरूर सुनिएगा। लास्ट में कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय है जरूर दीजिएगा। नमस्कार, मैं एलबी जे के सनराइज से। फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम से जुड़ी उपभोक्ताओं की राशन डीलर की दुकान पर जो पोस्ट मशीन से बायोमेट्रिक EKYC है वो की जाएगी। कुछ लोग अपात्र होते हुए भी फ्री जो राशन सामग्री का जो लाभ है वो उठाते हैं और सरकार की किसी भी तरह का अपात्र व्यक्ति और जो फ्रॉड को रोकने के लिए ये व्यवस्था है वो की गई है। सभी को 30 जून तक EKYC करवाना जो अनिवार्य कर दिया है, और जो उम्मीदवार स्थिति तक EKYC नहीं करवाते हैं तो वो फिर से जो राशन सामग्री है उन्हें नहीं मिलेगी। नई व्यवस्थाओं के अतिरिक्त सभी सदस्यों को अपने राशन डीलर की दुकान पर जाकर बायोमेट्रिक अंगूठा लगाकर जो KYC है करवानी होगी। जो अंगूठा नहीं लगा सकते हैं उनकी जो आयरिश स्कैनर से KYC की जाएगी। इसके अलावा KYC के लिए पात्र व्यक्ति को राशन की दुकान पर खुद जो उपस्थित है वो होना होगा, राशन जो के लेने के लिए वहां पर उसे खुद ही उसे मौजूद होना चाहिए। और 30 जून 2024 तक सभी जिला अधिकारियों को EKYC करवाने के लिए आदेश है वो दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं की EKYC करवाई है वो जा रही है सुबह, और जो सभी उपभोक्ताओं को 30 जून से पहले EKYC करवाना है वो ज़रूरी है और जल्द से जल्द आप ये करवा लें, क्योंकि इसके बाद आपको जो है आपको जो राशन है वो नहीं मिल पाएगा। और आपको बता दें कि डीलर अपने जहां गेहूं लेने पहुंचने वाले सदस्यों के साथ आपके उसके परिवार के अन्य सदस्यों की EKYC पोस्ट मशीन के माध्यम से भी कर सकते हैं। और फूड सिक्योरिटी पात्र जो लाभार्थियों की EKYC करवाने के लिए उचित मूल्य दुकान पर पोस्ट मशीन में आवश्यकता प्रदान है वो की जा सकती है। और EKYC करने के लिए उचित मूल्य दुकान पर पोस्ट मशीन में आवश्यकता जो है प्रबंध किया जा चुके हैं, और सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकान पर राशन लेने वालों को सभी परिवारों को जो EKYC करवाने के लिए कहा गया है। और ये EKYC नहीं करवाने पर राशन कार्ड के जो फूड सिक्योरिटी का लाभ है वो नहीं मिलेगा और आपको फ्री राशन भी है वो नहीं मिलेगा। सरकार द्वारा जो अपात्र और फर्जी व्यक्ति को हटाने के लिए जो निर्णय है वो लिया गया है, इसलिए सभी को जो EKYC जो है की जा रही है। राशन वितरण में फर्जी को लेकर बार बार शिकायत है वो मिलती रहती है कि फर्जी तरीके से राशन लेने के काफ़ी मामले हैं वो सामने आए हैं, और ऐसी गड़बड़ी को रोकने के लिए EKYC के आदेश है वो जारी किए गए हैं ताकि जो है जो फ्रॉड को है वो रोका जा सके और पात्र व्यक्ति को ही राशन सामग्री है वो मिले। और इसके बिन और इसके विभाग को पता चलेगा कि वास्तव में कितने लोग पात्र हैं जिनका जो लाभ है वो मिल रहा है, जिनके बाद अपात्र व्यक्तियों को नाम है वो हटाए जाएंगे। राशन कार्ड की वैसे कराने के बाद आधार कार्ड होना जो अनिवार्य है, और फूड सिक्योरिटी से जुड़े लाभार्थियों को राशन जो डीलर के पास आधार कार्ड एवं राशन कार्ड लेकर जाना है, और 30 जून से पहले राशन कार्ड में जुड़ी सभी सदस्यों को EKYC करवाना जरूरी है। राशन डीलर को और राशन डीलर पोस्ट मशीन से जो EKYC है वो कराएं, यदि वो ऐसा नहीं करवाते हैं तो उन्हें राशन है वो नहीं मिलेगा। तो 30 जून से है पहले आप ये करवा लें, नहीं तो आपको राशन है वो नहीं मिल पाएगा। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और तमाम बड़ी अपडेट के साथ बने रहें जे के सनराइज़ के साथ।